परी मिलती है, परी बहुत परेशान हो जाती है कि इतनी देर से आप कहाँ थे, आपको मेरी चिंता नहीं थी। और जब मैं रोड पे चल रहा था तभी मुझे लक भी जाती थोड़ी बहुत हाथ पे, तो वो रियलाइज़ करती है परी, और फिर परी मुझे यू नो फर्स्ट एड देती है और मेरा जिस तरीके से ख्याल रखती है, तो उधर वहाँ पे एक यू नो एक बॉन्ड दिखाया गया हम दोनों का, कितना अच्छा बॉन्ड है हम दोनों का और कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं, और वो भी कितनी केयर करती है मेरी, सिर्फ मैं ही नहीं केयर करता उसकी। सो आई मतलब स्टार्ट मिसिंग कि हाँ इसे भी एक और यू नो बहन की शायद ज़रूरत है, या एक और एक कंपेनियन की ज़रूरत है। मिश्री अगर होती तो कितना अच्छा होता इसके साथ। कुणाल, यहाँ पर आप उम्मीद कर रहे हैं कि परी की एक और बहन उनके साथ रहे, पर वहाँ दूसरी तरफ तो मौली दूसरी प्लानिंग कर रही है, उनकी कस्टडी की बातें कर रही हैं, तो यहाँ तो पहले ही दूर किया जा रहा है मिश्री को आपसे। कुणाल का कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि उससे वो हत्या ले या फिर यू नो मौली की ज़िंदगी से मिश्री को निकाल दे वगैरह, ऐसा कुछ भी उसका कुणाल का मोटिव नहीं है। ही इज़ जस्ट हैप्पी दैट ही इज़ गॉट वन मोर डॉटर एंड ही इज़ अपसेट द सेम टाइम कि मौली ने उसे पहले क्यों नहीं बताया, और वो बस मतलब इतनी खुशी चाहता है कि वो अपनी डॉटर से मिल सके, बाकी वो कोई कस्टडी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। मौली की ज़िंदगी को मतलब यू नो ऐसे मोड़ पे लाके नहीं खड़ा करना चाहता जहाँ पे उसके हाथ में कुछ भी ना हो। ओके, लास्टली एक सीक्वेंस हुआ था जिसमें आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे थे, जहाँ आप तोड़ फोड़ भी कर रहे हैं, किस चीज़ का गुस्सा था ये? ये गुस्सा जो था वो उसी चीज़ का था कि मौली ने कुणाल को नहीं बताया प्रेगनेंसी के बारे में। ही वॉज़ रियली हर्ट, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आया भी था, नंदिनी से ब्रेकअप करके आया था, एंड ही वॉन्टेड टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ विथ मौली, ऑल्दो ही वॉज इन दैट यू नो ब्रोकन स्टेट वेर ही नीडेड सम टाइम। लेकिन फिर मौली सेंस्ड की ये तो अभी भी दुखियारा सा यू नो डिप्रेस्ड सोल है, एंड ही इज़ नॉट कम बैक फॉर मी, ही इज़ कम बैक फॉर द चाइल्ड, तो मुझे ऐसे आदमी को यू नो उसके साथ नहीं रहना है। बट कुणाल से झगड़ता भी है कि अगर तुमने मुझे थोड़ा बहुत वक्त दिया होता उस चीज़ से उभरने का, तो शायद यू नो वी कुड हैव बीन बैक टुगेदर, जो तुमने मुझे टाइम नहीं दिया और अज्यूम कर लिया कि भाई एवरीथिंग इज़ नॉट रोजी एंड यू आर स्टिल डिप्रेस्ड एंड यू विल बी डिप्रेस्ड फॉर योर होल लाइफ, जिसकी वजह से मतलब आज यू नो जो कुणाल था वो नंदिनी के साथ था और उसे अपनी दूसरी बेटी के साथ मुखातिब होने का मौका भी नहीं मिला। ओके, एक प्रोमो शूट भी यहाँ पर हमने देखा है, हैप्पी फैमिली एक देखी है, कुणाल दूर से देख रहे हैं, तो हैप्पी मतलब क्या है, अगर आप हमें थोड़ा सा प्रोमो के बारे में अगर डिकोड करें। इट्स जस्ट दैट कि ईशान एंड मौली आर गेटिंग एंगेज एंड दे आर गेटिंग मैरिड एंड दे हैव वन हैप्पी फैमिली, मदर फादर एंड डॉटर, एंड हियर आई हैव डॉटर मी एंड देर इज़ नो वाइफ, सो इट्स जस्ट दैट दिस इज एन इनकम्प्लीट फैमिली एंड दैट्स अ कम्प्लीट फैमिली, सो दैट्स व्हाट इट्स अबाउट, एंड इट्स ऑल्सो अबाउट कि आई क्रेव फॉर वन यू नो कम्प्लीट फैमिली। सो गाइज, टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ सिलसिला टेलीकास्ट ऑन कलर्स चैनल, एंड इट विल बी टेलीकास्टेड फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम 26 नवंबर ऑनवर्ड्स ऑन वूट एंड ओनली ऑन वूट, सो प्लीज़ गाइज गो ऑन वूट, if you don't have that application please download that application and watch this special show which you all like, or even if you all hate it please watch it on boot. Action! ईशान थोड़ा लेफ्ट रहना, हल्का सा। हाँ, मॉल किस तरह सामने? अरे भाई, एक क्यों रुका फील्ड में, वन मोर गलत तेजी में यार। बैठ रहो, डालना उसके अंदर।
एक्शन। बटलर का बटलर नहीं लगे लग रख दोनों उस पर सब गुड रोलिंग एक्शन। लुक सामने ऊपर पकड़ी ऊपर और ट्रैक और आराम से भाई और अकबर अपने आप खुद का और अकबर ट्रैक पीछे एक्शन। Action! शान ने प्लान किया हुआ था जहाँ पर ये लेकर आया मौली को एंड
क्या सरप्राइज है वो तो नहीं को पता अभी। नहीं सरप्राइज यही है कि ईशान ने काफ़ी सारे गिफ्ट्स लाए हैं मौली के लिए, जिसमें जूते भी हैं, जिसमें क्या कहते हैं ईयरिंग्स भी हैं, और उसके लिए सारा खाना खुद बनाया है ना। आई थिंक ये बता रहे हैं लड़कों को कि कैसे लड़कियों को इम्प्रेस करें, यू शुड टेक देम आउट, ऐसा ही आउटडोर में ब्यूटीफुल सा आप डेकोर प्लान करें और डिनर खुद अपने हाथों से बनाएं और लड़की को गिफ्ट्स ला के दें, मेक अप फील स्पेशल और फिर लालटेन हवा में उड़ाएं जो बॉम्बे में अलाउड नहीं है। विशिंग कैंडल उड़ाते हुए आपने क्या विश मांगी? कुछ तो दोनों की नज़रें उस पर ही थी, कुछ तो विश मांगी होगी आपने। हाँ विश ऐसा हुआ कि इन्होंने बोला कि लेट्स विश फॉर अ हैप्पी फैमिली जिसमें तुम मैं और मिस्ट्री हो, तो जब मौली वो सोच रही थी तो ऑल ऑफ अ सडन उसे कुछ और भी दिखाई पड़ता है, कुनाल दिखाई देगी, घबरा जाती है, पास्ट दिखाई देगी, पास्ट या पास्ट, आई थिंक ऐसा होता है दैट यू कैन नॉट समटाइम्स गेट ओवर योर पास्ट, सो ऐसा ही वाला सीन चल रहा है थी मौली का। ओके ईशान, यहाँ पर आपने कहीं ना कहीं मौली को बहुत स्पेशल फील कराया है और एक प्रोमो शूट भी हुआ जहाँ आप लोग एक फैमिली की तरह हैं, हैप्पी फैमिली, और कुनाल देख रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका, मतलब आप मिस्ट्री और मौली हैं उसमें? इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं ये कह कि आप लोग शो देखिए और उसके बाद आप लोग बताइए कि क्या आपको कैसा ट्रैक अच्छा लग रहा है और कैसा नहीं लग रहा। और अब तो वैसे भी शो हमारा ऑनलाइन है तो आप सबके जो रिव्यूज़ हैं वो मैटर करते हैं हमें। और उसी वैसे भी इट्स लाइक आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स जो हमारे शो लेगा और ले रहा है, सिलसिला बदलते रिश्तों का जो हमारा, मतलब ये सिलसिला बदलता रहेगा। ओके लेकिन आज टेलीकास्ट वाइज अगर बात करें ऑन कलर्स तो लास्ट डे है, आखिरी दिन है हमारा, और एक्चुअली वांट टू रीच होम सो एटलीस्ट आज रात का टेलीकास्ट देख लें। ओके आपके लुक के बारे में बात करना चाहेंगे कि बहुत प्रिटी लग रही है, अपने लुक को अगर थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, आपके बाल अभी तो ये सब खराब हो चुके हैं, सो आई डोंट थिंक इज द राइट टाइम, लेकिन फिर भी एंगेजमेंट थी तो मौली इज वेरिंग ट्रेडिशनल लहंगा पहना हुआ है रानी पिंक। और जब जब मैं मौली के साथ शूट कर रहा हूँ तो ऑलवेज शी इज कंप्लेनिंग कि ये लहंगा बहुत भारी है, यार ये बहुत भारी, और दो तीन दिन से इसकी कंटिन्यूटी चल गई है, कंटिन्यूटी बहुत लंबी है, सो इट्स रियली हैवी। और कितने लाख हो गए? नॉर्मली डेली सूप की सारी लीड्स यही बोलती है बहुत महंगा है, पता नहीं अभी लेके गायब भी हो जाते हैं, आई हैव नो आईडिया व्हाट दिस एक्चुअली है, पर होता ही आई थिंक जो ब्राइड्स होती हैं या जिनकी एंगेजमेंट है सारी मुझे लगता है बहुत हैवी लैंग्वेज, एक्सरसाइज एक्सरसाइज, गुड नाइट, थैंक यू।